नाव पलटी है। नाव पर 8 लोग सवार थे, 8ों लोग डूब गए हैं, एक ही परिवार के सभी लोग बताए जा रहे हैं। पंचखेरो जलाशय में यह हादसा हुआ है। जलाशय घूमने ये परिवार गया था और इसी दौरान यह हादसा हो गया। स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी इस वक्त घटनास्थल पर है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नाव पर 8 लोग सवार थे, सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। यहां पर जलप्रपात ये लोग घूमने आए थे और इसी दौरान नाव हादसा हो जाता है। परिवार के 8ों लोग इसमें डूब गए हैं। फिलहाल स्थानीय लोग जो है वो वहां पर मौजूद हैं और स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। लगातार घटनास्थल से हालात का जायजा लिया जा रहा है। हमारे सहयोगी रितेश लोहानी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। रितेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास, वहां पर किस तरीके की स्थिति इस वक्त देख रही है, प्रशासन के कौन कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? जी, मैं बता दूं कि अहले सुबह नाव से ये पंचखेरो जैसे मरकचो प्रखंड में पड़ता है, जहां एक ही परिवार के करीब 8 से 10 लोग ऐसे नाव के जरिए घूमने गए थे और इसी बीच में नाव पलटने से करीब 8 लोग ऐसे उसी पंचखेरो जलाशय में डूब गए हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। मरकचो थाना प्रभारी सूचना मिलने के साथ ही तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों की भीड़ भी वहां पर लग गई है। वहीं पुलिस ने जिला के तमाम वरीय पदाधिकारियों को भी सूचना दी है, हालांकि मुख्यालय से थोड़ी दूरी होने के कारण से अभी कोई भी वरीय पदाधिकारी वहां पहुंचने में असफल है। फिर भी सूचना ये मिल रही है कि लोग लगातार अपनी कवायद शुरू कर चुके हैं। वरीय पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचने के लिए निकल चुके हैं और फिलहाल जो भी स्थिति बनी हुई है कि लोग लापता है और सिर्फ एक जन के बारे में बताया जा रहा है कि उन परिवार में से एक जन ऐसे तैर कर बाहर आए हैं और हालांकि अभी भी डूबे लोगों की खोजबीन जारी है। जी रितेश, क्या एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है या फिर गोताखोरों को बुलाया गया है? फिलहाल कोडरमा में एनडीआरएफ की कोई टीम नहीं होती है। वहीं स्थानीय गोताखोरों से संपर्क साधा जा रहा है और कुछ स्थानीय जो तैराक होते हैं, गांव के ग्रामीण तैराक होते हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं। जलाशय काफी बड़ा है, जिस कारण से जो सीखे हुए नौजवान है वही है तो उस जलाशय में उतरने की हिम्मत कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण लगातार भीड़ लगाए हुए हैं और कहीं ना कहीं ऐसे परिजन भी है तो अपने परिवार को खोजने के लिए लगातार आवाज लगा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और वो कुछ भी बात करने की स्थिति में अभी फिलहाल नहीं है। जी जी रितेश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोग डूब गए हैं, करीब 9 लोग सवार थे नाव पर जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिसमें से 8 लोग डूब गए। स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी इस वक्त घटनास्थल पर है। लगातार गोताखोरों को भी बुलाया जा रहा है ताकि शव को जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। मरकच्चो प्रखंड की यह पूरी घटना, नाव पर 8 लोग सवार थे, 9 लोग सवार थे माफ कीजिएगा, जिसमें से 8 डूब गए हैं, एक ही परिवार के सभी लोग बताए जा रहे हैं।